Hi guys, good evening. Welcome back to my channel, Naya Din Naya Vlog. आज के व्लॉग में बात करेंगे कि ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके लिए फिनलैंड बहुत ज़्यादा जाना जाता है, वो है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एंड ऑफ कोर्स पब्लिक लाइब्रेरीज़ के बारे में. जी हाँ, हमें तो ये पता ही है कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड. ये हम काफ़ी जगह पढ़ भी चुके हैं, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट में भी आता रहता है. पर जो फिनलैंड की जो लाइब्रेरीज़ हैं, स्पेशली जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है. और पूरे फिनलैंड के अंदर ना लगभग 872 लाइब्रेरीज़ हैं विच आर अवेलेबल फॉर लॉट ऑफ सर्विसेज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर पब्लिक के लिए. मैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ की या स्कूल में जो लाइब्रेरीज़ हैं या जो नेशनल लाइब्रेरीज़ हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ. मैं कर रही हूँ पब्लिक लाइब्रेरीज़ की, जिसको सारे लोग जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट ऑफ़ द सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. तो आज के व्लॉग में इसी के बारे में बात करेंगे और आपको दिखाऊंगी कि फिनलैंड के अंदर एक लाइब्रेरी, एक जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो कैसी दिखती है, क्या क्या सर्विसेज रहती हैं आम जनता के लिए, क्योंकि सिर्फ लेंडिंग एंड बोरोइंग से बहुत ज़्यादा होती है ये लाइब्रेरी. चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर आई डू दैट, आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है एंड ऑफकोर्स इसे शेयर करते रहना है. लाइब्रेरी में बैठी हूँ ना, उसको ईसो ओमेना लाइब्रेरी बोलते हैं, या बिग एप्पल, जो कि एक मॉल है एस्को के अंदर. मैं वहीं पर आई हुई हूँ. ऑफकोर्स इसे भी ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरीज़ भी है, हेलसिंकी में हैं, अलग अलग सिटीज़ में है. बट मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाह रही थी कि लाइब्रेरीज़ होती कैसे. आपको कोई भी अगर यहाँ पे बुक को लेंड या बोरो करना है तो आपके पास लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए, यहाँ का एड्रेस होना चाहिए मेरे पास फिनलैंड का, तो उन लोगों के लिए ही ये लाइब्रेरी का कार्ड बन सकता है. एंड इट इज़ ऑफकोर्स लाइक आई सेड फ्री ऑफ कॉस्ट. आप बिना किसी कॉस्ट के यहाँ पे बुक्स को लेंड या बोरो कर सकते हो, सीरीज़ को भी बोरो कर सकते हो, मूवीज़ की सीरीज़ को बोरो कर सकते हो. हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको वो उनको 4 हफ्ते में रिटर्न करना है या फिर कुछ को सिर्फ 2 हफ्ते में ही रिटर्न करना पड़ता है. अगर आप नहीं उसको रिटर्न करते हो तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको देना पड़ेगा यहाँ पर फाइन. और अगर आप यहाँ पर जब तक अपने ड्यूज़ को क्लियर नहीं करते हो तब तक आपको नेक्स्ट बुक नहीं मिलेगी. जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं ना, उनके लिए यहाँ पर अवेलेबल है एक बहुत ही मज़ेदार सर्विस. यहाँ पर 2 तरह के रूम्स हैं, एक तो है म्यूज़िक का स्टूडियो और दूसरा है म्यूजिक रूम. जी हाँ, बिल्कुल, आप इन दोनों को आप बुक करा सकते हो बिना किसी कॉस्ट के, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है. पर हाँ, प्रायर बुकिंग आपको करानी पड़ेगी एंड आई थिंक आप 3 घंटे के लिए मैक्सिमम उसे 1 वीक में बुक करा सकते हो. और इसके अंदर अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं और आप यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते हो. जो ये दोनों रूम्स हैं वो साउंड प्रूफ है ताकि कोई भी बाहर आवाज़ ना आए और जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ और भी कर रहे हैं उनको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो. और यहाँ पर ना एक म्यूज़िक टीचर जो है उसकी भी गाइडेंस अवेल हो सकती है. उसके जो टाइमिंग्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे इनकी वेबसाइट पे, तो आप जाकर ये भी चीज़ वहाँ पर पूछ सकते हैं उनसे. चलिए आइए अब म्यूज़िक रूम को भी चेक करते हैं. बट हाँ, पर पहले, इससे पहले कि हम म्यूज़िक रूम को चेक करें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जिन लोगों के पास सिर्फ म्यूज़िक का पास है ना, वो ही सिर्फ इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं. तो अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में आते हो, आपका लाइब्रेरी कार्ड इनफ नहीं होगा, आपको बनवाना पड़ेगा म्यूज़िक का पास, जिसमें आप ये दोनों चीज़ें, एक तो प्रैक्टिस वाला कमरा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हो, और दूसरा अगर आपको कुछ रिकॉर्डिंग करनी है और या फिर उसको बहुत ज़्यादा आपके बिज़नेस के लिए हेल्प कर रहा है, अगर आपको उसको कमर्शलाइज करना है, यूट्यूब पर डालना है या किसी और फोरम पर डालना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर बिना किसी कॉस्ट के अवेलेबल हो सकती है. दिखाती हूँ स्टेज. यहाँ पर एक स्टेज भी इन्होंने छोटी सी क्रिएट करी हुई है छोटे छोटे कुछ इवेंट्स करने के लिए. बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपका इवेंट हो जाए तो साफ सफाई करें बिना बिल्कुल नहीं जाए. की
जिसमें है 3D प्रिंटर्स. जितने भी लोग शौकीन है 3D प्रिंटिंग को देखने के लिए वो वहाँ पर जाके इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर विनाइल कटर्स भी अवेलेबल हैं और मशीन्स भी हैं, स्विंग मशीन भी अवेलेबल है जिसके अंदर बेसिक यान के कलर्स हैं. बट वो रिकमेंड करते हैं कि यूज़ ऑफ मशीन्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, बट आपको अपना मटेरियल खुद यहाँ पर लाना पड़ेगा अगर आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है या फिर उन मशीन्स को यूज़ करना है. और इसके अलावा लैमिनेशन की भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ये वाली जगह पे तो लिमिटेड मशीन्स ही अवेलेबल है. इसलिए आपको varamo.espo.fi पे जाकर अपनी बुकिंग रिजर्वेशन करानी पड़ेगी. एंड जब आपको वो टाइम मिलता है आपको उस टाइम पर यहाँ पर आना पड़ेगा एंड फिर आप इन पाया की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते. इसको वॉक्स बोलते हैं और एक यूथ का ना सेक्शन है पूरा, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें ये ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेशली फॉर यंगस्टर्स. एंड इट स्टार्ट्स विद द एज ऑफ 12 एंड इट गोज अंटिल द एज ऑफ 29. मैं दिखा नहीं पाऊंगी इसको अंदर से क्योंकि वो अलाउड नहीं था मुझे दिखाना. बट हाँ, मेरी इनसे यहाँ पर बात हुई. यहाँ पर कोई ना कोई दो लोग जो यहाँ पे काम करते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर वो रहते हैं एंड दे हेल्प बेसिकली यूथ टू इंटीग्रेट इन टू द सोसाइटी. उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको काउंसिल भी करते हैं. और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आप TV पे कुछ वीडियो गेम्स हैं वो कर देख सकते हो. लोग वहाँ पे मैंने देखा था यंगस्टर्स खेल रहे थे. यहाँ पे एक स्नूकर भी रखा हुआ है, वो भी लोग कर रहे थे. इंटरनेट की फैसिलिटी ऑफ कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लोग यहाँ पर आते हैं स्पेशली यंगस्टर्स एंड दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर, दे इंटरैक्ट और हैव अ लॉट ऑफ यू नो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. चलिए अब नज़र डालते हैं प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर. तांपरे में ऐसा नहीं था. तांपरे में मुझे याद है मैंने प्रिंटिंग के, जेरोक्स कॉपी के, स्कैनिंग के वहाँ पर पैसे दिए हुए थे. जो मेरा कार्ड था उसी में आप अपलोड करा सकते थे एंड अपलोड करा सकते हो एंड देन फिर आपको उसके जो पैसे हैं वो उसमें से कट जाएंगे जब भी आप प्रिंटिंग लेते हो. बट यहाँ पर मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ कि 20 प्रिंट आउट्स ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड आप यहाँ पर ले सकते हो एवरी डे, विच इज़ अ वेरी गुड सर्विस मेरे ओपिनियन में. आपको जैसे कोई भी काम है, अगर आपको अपना रिज्यूमे निकलवाना है या कुछ भी आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स तो मतलब प्रिंट आउट्स तो रोज़ चाहिए ही होते हैं, तो आप लाइब्रेरी में आकर यहाँ पर अपना कार्ड दिखा के और ये दोनों को भी अवेल कर सकते हैं. यही था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखाया ईसो ओमेना की लाइब्रेरी. आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालना ना भूले. मेरे वीडियो को लाइक करें एंड ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही रखता है मुझे बहुत ज़्यादा जार ताकि मैं अलग अलग जगह पर जाऊँ और आपको दिखाऊँ फिनलैंड. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में. बाय.